हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बबली किचन में। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का चटपटा मसाले वाला चटनी, जिसको आप महीनों तक रख के खा सकते हैं। खराब बिल्कुल भी नहीं होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आम का मसालेदार मीठी चटनी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो आम। इसको मैंने पहले ही घिस लिया है। आइए देखते हैं कैसे घिसना है इसको। आम को पहले धो के इसको कपड़े से पोंछ लीजिए, नहीं तो इसको पानी इसका सुखा लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद इसको छील लेंगे और छीलने के बाद इसको हम इस तरह से घिस लेंगे। इसको देखिए, इस तरह से बारीक इसको घिस लेना है। मैंने पहले घिस लिया इसको। ये 1 किलो आम है। 1 किलो आम में आप 1 किलो चीनी यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए। और इस आम को पानी इसको बिल्कुल नहीं ना होना चाहिए। इसको धोने के बाद हम इसको अच्छे से पोंछ के सुखा लेंगे, फिर बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम गैस जला के लो फ्लेम करके कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बाद इसमें हम चीनी और आम एक साथ डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आम ज़्यादा खट्टा हो तो इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं आप। चीनी और आम एक साथ डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। देखिए, अब इसमें चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। अब इसको हम ऐसे ही लो फ्लेम पे 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। और बीच में कभी चला सकते हैं, वैसे ही अभी जलेगा नहीं। इसको एकदम लो फ्लेम रखेंगे, बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे। और इसको पकने देते हैं, 10 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। कवर नहीं करना है, ऐसे ओपन ही पकाएंगे हम। देखिए, पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, ये अच्छी तरह से पक रहा है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये मिक्स करने के बाद इसको हम फिर से पकने देंगे, लो फ्लेम ही रखेंगे। और इसको हम और 10 मिनट तक और पकाएंगे। थोड़ा और गाढ़ा, अभी देखिए थोड़ा पतला है, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा तब तक। इसको पकने देते हैं। अब देखिए, ये अच्छा गाढ़ापन हो चुका है। देखिए, इस तरह का हो गया है ये। इसको पकने में टोटल 45 मिनट लगा है। इससे ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होता है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये जब तक ठंडा होगा, हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए पहले हम गैस जला के पैन रख देंगे। उसमें ये 1 चम्मच जीरा और ये 1 चम्मच मिक्स मसाला है, जैसे कि इसमें मेथी, अजवाइन, मंगरेल, सौंफ और जीरा, जिसको पंचफोरन भी बोलते हैं, इसको मिक्स करके हम 1 चम्मच ले लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इनको इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। ध्यान रखना है कि जले ना, हल्का धीमे आंच पे भूनना है इसको। इसको ऐसे चलाते हुए हम भून लेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्का कलर आ गया है और खुशबू अच्छी आ रही है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, वरना ये जल जाएगा। कढ़ाई गर्म रहता है ना, तो देर तक इसको नहीं भूनना है। अब देखिए, मसाला भून चुका है, अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो इसका पाउडर बना लेते हैं अभी। इसको इस तरह से महीन पाउडर बना लेंगे। अब ये आम की चटनी जो है, ये अच्छा से ये ठंडा हो चुका है, हल्का गरम है। इसको हल्का गरम में हम मसाला मिलाएंगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पूरा ठंडा नहीं होने देंगे, हल्का गरम रखेंगे।
तो ये जो मसाला मैंने तैयार किया है, ये पाउडर, ये इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। बस एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जैसे पानी से दूर रखें इसको, बनाने टाइम पानी बिल्कुल नहीं इसमें पड़ना चाहिए, और जब आप इसको खाएंगे भी तो गीले बर्तन, गीले चम्मच से ना निकालें, तो ये आपका महीनों तक अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, गाढ़ापन बहुत अच्छा है। अब ये हमारा चटनी बनके तैयार हो गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा कच्चे आम का मसाले वाला चटनी बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आप देख सकते हैं। और इसको आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लीजिए और महीनों तक आप खा सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है, फ्रिज में नहीं रखना होगा आपको, बाहर रख के आप आराम से खा सकते हैं महीनों तक। और इसको ये पराठे पूड़ी के साथ, ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें इस आम के सीजन में, और आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स जरूर भेजें। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।